हेलो दोस्तों, दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है कि प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म KGF के दो पार्ट अब तक रिलीज हो गए हैं, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला। साल 2018 में फिल्म का पहला पार्ट आया था, जिसके बाद से ही फैंस को चैप्टर 2 का इंतजार था और यह इंतजार 14 अप्रैल 2022 को खत्म हो गया। इसी दिन मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई, जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म में यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन और संजय दत्त ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने 1200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन को पार कर लिया था। KGF चैप्टर 2 जैसे ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, उसके कुछ समय बाद ही ट्विटर पर #chapter3 ट्रेंड होने लगा था, जिससे साफ है कि दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच खबर आई थी कि KGF चैप्टर 3 की शूटिंग साल 2022 के अक्टूबर महीने में शुरू हो जाएगी और साल 2024 में ये सिनेमाघरों में भी आ जाएगी। कई रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और यह जानकारी मेकर्स की तरफ से ही दी गई है। दरअसल KGF के निर्देशक प्रशांत नील ही प्रभास की फिल्म सालार को डायरेक्ट कर रहे हैं। दावा है कि प्रशांत नील फिल्म सालार की शूटिंग में बिजी हैं, इसी वजह से अभी प्रशांत नील KGF चैप्टर 3 को शुरू करने वाले नहीं हैं। इसके अलावा मेकर्स ने भी फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि फिल्म साल 2025 में रिलीज होगी, यानी दर्शकों को अभी फिल्म के लिए इंतजार करना होगा। KGF चैप्टर 1 में विलेन के रूप में रामचंद्र राजू नजर आए थे, जिन्होंने गरुड़ा का शानदार किरदार निभाया था। चैप्टर 2 में संजय दत्त आधीरा के रूप में दिखे, जिन्होंने यश यानी रॉकी भाई से टक्कर ली थी। वहीं अब चैप्टर 3 को लेकर भी कुछ सितारों के नाम सामने आए हैं, जिनकी एंट्री फिल्म की कास्ट में हो सकती है। बीते दिनों खबर आई थी कि फिल्म के तीसरे पार्ट में ऋतिक रोशन और राणा दग्गुबाती की एंट्री हो सकती है। इसके अलावा कमल हासन का नाम भी सुर्खियों में चल रहा है। KGF चैप्टर 2 में रॉकी को कोलार गोल्ड फील्ड पर राज करते हुए देखा है, लेकिन फिल्म के आखिर में रॉकी को मरते हुए भी दिखाया है। हालांकि रॉकी सच में मरा है या नहीं, ये सवाल मेकर्स ने दर्शकों के जहन में छोड़ दिया। ऐसे में अब सबके मन में सवाल है कि फिल्म के तीसरे पार्ट में मेकर्स क्या कुछ दिखाने वाले हैं। कई रिपोर्ट में दावा है कि फिल्म में रॉकी के उन 4 साल को दिखाया जाएगा, जिसमें उसने खुद की पहुंच विदेश तक बनाई है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अभिनेता यश ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी रॉकी की जिंदगी और कहानी में काफी कुछ है जो दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने और प्रशांत ने KGF 3 के लिए काफी सारे सीन्स सोच रखे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हम चैप्टर 2 में नहीं कर सकते थे और अब हम चैप्टर 3 में करना चाहते हैं। पहला और दूसरा पार्ट हिट होने के बाद अब डायरेक्टर कहानी आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो दोनों पार्ट के मुकाबले जबरदस्त होगी। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो KGF चैप्टर 3 के लिए, इस बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको KGF चैप्टर 1 और 2 में यश यानी अपने रोकी भाई की एक्टिंग पसंद आई हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।